राज्य के किसानों को सब्सिडी मिलने वाली है। राज्य सरकार करीब 80 करोड़ की सब्सिडी देगी। कृषक समूह को छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान पर ये ट्रैक्टर मिल सकेगा। एक साल से किसानों को कृषि यंत्र नहीं मिला है, तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के सरकार आ रही है। 80 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। कृषक समूह को ये छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान भी इन ट्रैक्टर पर मिलेगा। एक साल से किसानों को अब तक कृषि यंत्र नहीं मिला था, लेकिन अब किसानों के लिए अच्छी खबर। योजना राज्य में चलाया जा रहा है, जिसके तहत 80 करोड़ रुपया का सब्सिडी स्वीकृत हुआ है। इससे पूरे राज्य के ग्रुप को, इस कृषक समूह को ट्रैक्टर, बड़ा छोटा हर तरह का ट्रैक्टर दिया जाएगा। और इसमें अधिकतम 80% अनुदान की राशि। बीते दिनों धनबाद आए कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्रों और बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि कोयला मंत्री का दौरा से उम्मीद बढ़ गई है। धनबाद और गिरिडीह दोनों जगह बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं, इसलिए समस्या के समाधान होने की पूरी उम्मीद है। जो है वो देखा हूँ, समझाऊ, मैं समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहला इसका मंत्री का जिम्मेदारी लिया हूँ भारत सरकार की तरफ से, और ये सब स्वयं देखना चाहिए, ऐसा निर्णय लेके मैं स्वयं आया हूँ। क्या लगा आपको सर? नहीं, बिल्कुल जेन्यून इश्यूज है। विस्थापितों को न्याय करना चाहिए। भारत सरकार कमिटमेंट के साथ इस विषय पर हम आगे काम करेंगे। पूरे क्षेत्र, पूरे बाघ जो परियोजना के अंतर्गत जितने भी गांव है, सब अग्नि क्षेत्र से प्रभावित है। डेंजर जोन में, बहुत काफी डेंजर जोन में है ये। यहाँ पर इससे पहले भी कोयला मंत्री आए थे, तो खुद आश्वासन देकर गए थे कि इसको अथी किया जाएगा। इसके बाद कोयला मंत्री का फिर चेंज हो गया है, सरकार चेंज हुई, कोयला मंत्री भी चेंज है। इसलिए अब हम लोग को दोनों साइड से सांसद हम लोग का जीते हुए हैं। हम लोग का जिनको चाहे उनको सांसद बने हैं, इसलिए सांसद से हमें उम्मीद है कि ये मांग कोयला मंत्री और धनबाद के सीएमडी से प्रस्ताव रखेंगे। कोयला के कारण से मैंने कोयला में आग लग गई है, जिसके कारण से हम लोग ग्रामीण सब त्राहिमान में है। जिससे आग लग गया, घर भी देखिए रहे हैं आप लोग, भूधसान के केंद्र में हम लोग प्रभावित है। कितना संख्या है? लगभग 4000 संख्या है हम लोग। मैनेजमेंट हाँ, सबसे हम लोग बात हो चुका है, लेकिन वो लोग रोज आजकल करते हैं कि बोलते हैं कभी टेंडर दिए हैं भरने के लिए, तो कभी बोलते हैं कि माने कि यहाँ आपको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ। बोकारो में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एनजीटी के रोक के बाद भी जिले में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। मामला अमलाबाद और भूजू डीओपी क्षेत्र का है, जहां जब ग्रामीणों के